अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक हमारा एक ऐप है जिससे हम यूट्यूब से वीडियो वगैरह डाउनलोड करते हैं। उसका नाम है वाई म्यूज़िक। इसके ज़रिए प्लेलिस्ट को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसका तरीका यहाँ पे मैं आपको सेंड कर रहा हूँ किसको किस तरह से किया जाएगा। इस टाइम मैं यूट्यूब में मौजूद हूँ और मैंने एक प्लेलिस्ट सर्च की है। एक ड्रामा है बहरूप, इसकी प्लेलिस्ट है। इसके अंदर 100 वीडियोस हैं, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे। आपने भी इसी तरह से करना है, किसी भी वीडियो को सेलेक्ट करना है। जैसे एक वीडियो इसको सेलेक्ट किया और उसके चलेगी तो उसको आपने पॉज कर लेना है। पॉज करने के बाद आप स्वाइप करते हुए जाएंगे, आपको उनका चैनल मिलेगा। तो उनका चैनल आपको मिलेगा, उस चैनल पे आपने क्लिक करना है और वहाँ पे उल्टे आप पे स्वाइप करेंगे तो आपको वीडियो होम और प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसमें जो भी उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, अगर उन्होंने बनाई होंगी तो उसमें प्लेलिस्ट आएंगी कि फलानी वीडियो इतनी इतनी प्लेलिस्ट, उसकी तादाद बताई जाएगी। और उसके बराबर में एक मेन्यू का बटन आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हम एक प्लेलिस्ट में मौजूद है, अभी मैंने प्लेलिस्ट सेलेक्ट की है, ये इसमें 100 वीडियोज़ हैं। अब इसके लेफ्ट राइट साइड पे गो टू चैनल, इस चैनल के अंदर जाके हम यहाँ से मज़ीद प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी प्लेलिस्ट है, और हम यहाँ से कौन कौन सी जो जो प्लेलिस्ट हमें डाउनलोड करनी है वो कर सकते हैं। ये जी शो का चैनल है। इसके आगे हम सीधे आप पे स्वाइप करते हैं, एक्शन मेन्यू। हर वीडियो और हर प्लेलिस्ट के पास राइट साइड पे एक एक्शन मेन्यू आता है जिससे हम चीज़ को डाउनलोड और शेयर कर सकते हैं। डाउनलोड करने का मतलब ये है कि यूट्यूब के अंदर डाउनलोड होगी वो ऑफलाइन, जब भी हम इस वीडियो को देखना चाहेंगे। नेट नहीं होगा तो हम यूट्यूब से इसको देख सकेंगे, जब डाउनलोड कर लेंगे। तो इस एक्शन मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम तलाश करते हैं शेयर का ऑप्शन। शेयर कहाँ पे है? शेयर लिंक प्लेलिस्ट, सेव प्लेलिस्ट। अच्छा, ये क्यू करने के लिए है। शेयर प्लेलिस्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। शेयर प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम स्वाइप करते हुए जाएंगे और मोर ढूंढेंगे। सीधे आप पे स्वाइप करेंगे, मोर बटन आया। मोर बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे सारे ऐप यहाँ पे शो होंगे। और जो पहली दफ़ा म्यूज़िक ई म्यूज़िक से डाउनलोड करना चाहेगा, इस मोर में जाने के बाद एक और मोर आएगा, उसके अंदर वो जाएगा और सबसे एंड पे आपको वाई म्यूज़िक मिलेगा। और पहली दफ़ा अगर आपने कर लिया और उसके बाद आप करना चाहेंगे तो फिर आपको दूसरे मोर में नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको शुरू में ही वाई म्यूज़िक मिल जाएगा। हम इसके ऊपर स्वाइप करते हैं मोर पे। अब क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पे वाई म्यूज़िक से चीज़ें डाउनलोड की हैं, इसलिए मुझे दूसरे मोर में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप लेफ्ट साइड पे स्वाइप करेंगे तो आपको जल्दी से वो वाई म्यूज़िक मिल जाएगा। हम स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड पे, ये वाई म्यूज़िक हमें मिल गया। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब अगर हम उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे स्वाइप करेंगे तो हमें MP3 डाउनलोड मिलेगा, M4A MP3 डाउनलोड। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम आगे सीधे हाथ पे स्वाइप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने तो जी शो से इसको लेबल कर लिया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बटन बटन मिलेंगे, तो आपने सबसे आखिरी बटन पे क्लिक करना है, वो
डाउनलोड का बटन होगा, स्वाइप करते हैं सीधे आप से। ये बहरूप 100 वीडियोस, यानी इसमें 100 वीडियो है। अगर किसी में जितनी भी होंगी उसकी तादाद यहाँ बताई जाएगी। इसके आगे है सेव, ये पहला बटन है, इसको हमने सेव लिखा हुआ है। टॉक बैक में ये बटन बोलेगा, दूसरा शेयर, दूसरे नंबर पे बटन बोलेगा वो भी शेयर का होगा, क्योंकि टॉक बैक पर ये शेयर नहीं बोलेगा। हमने इसको यहाँ पे लेबल कर लिया जी शो में, इस वजह से ये शेयर बटन बोल रहा है। आगे स्वाइप करें, डाउनलोड बटन, ये तीसरा बटन है, इस बटन के ऊपर आपने स्वाइप करना है। टॉक बैक जो लोग यूज़ करते हैं वो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, पहली दफ़ा जब आप वाई म्यूज़िक इंस्टॉल करेंगे तो वाई म्यूज़िक का जो ऐप होगा उसके अंदर जाके आपने तमाम चीज़ें अलाउ कर देनी है, जब जाके फ़ोन स्टोरेज में आपको वाई म्यूज़िक शो होगा। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे वहाँ जाके, तो आपको फ़ोन मेमोरी में इंटरनल स्टोरेज में वाई म्यूज़िक का फोल्डर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जब आप इसको आप इंस्टॉल कर लें तो इसको इसकी जो परमिशन है वो अलाउ कर दीजिएगा वाई म्यूज़िक ओपन करके। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो डन और ओपन आता है, तो ओपन के ऊपर आप क्लिक करके जितनी भी इसकी परमिशन है वो अलाउ कर देनी है। तो उसके बाद ये आपको अलाउ होगा, ठीक है, आपको फ़ोन मेमोरी में मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, फिर आप ढूंढते रहिएगा। अच्छा, डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, आगे स्वाइप करते हैं, नेविगेट अप, डाउनलोड, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट के आगे जो है M4A पे सेट होता है ये। अच्छा, कोई कोई जो डिवाइसेस होती हैं वो M4A को प्ले करती हैं और कोई कोई नहीं करती, तो आप लोगों ने इस M4A वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्वाइप करेंगे तो M4A 2 MP3। अच्छा, यहाँ वीडियो के फॉर्मेट भी शो होंगे और MP3 के भी फॉर्मेट शो होंगे, तो आपने अगर आपने वीडियो करनी है तो फिर वीडियो के फॉर्मेट पे आप क्लिक करें। आगे स्वाइप करें, ये देखिए 1080, 720B, 400, 300, 144। तो हमने ऑडियो अगर करनी है तो हमने MP3 पे क्लिक करना है। MP3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके सीधे पे एक ऑप्शन मिलेगा, मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑल और अनसेलेक्ट ऑल, ये दो ऑप्शन मिलेंगे, आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे स्वाइप करना है। अच्छा, यहाँ मैंने जी शो में स्टार्ट डाउनलोड हमने लेबल कर दिया इसको। यहाँ पे आपको फैब मिलेगा या हो सकता है बटन मिले, दो में से एक चीज़ मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अब ये 100 वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, और अगर हम मोर ऑप्शन में सेलेक्ट ऑल नहीं करते तो हमें इसमें से जो जो वीडियो चाहिए उसके ऊपर चेक लगाते जाए। फ़र्ज़ करें हमें 1 से लेकर 10 तक इसकी किस्तें नहीं चाहिए, तो उनके ऊपर हम अनचेक रखेंगे, बाकियों पे हम चेक लगाएंगे। या हमें 1 से 10 तक वीडियो चाहिए और बाकी नहीं चाहिए, तो हम 1 से 10 तक या 20 तक जो भी हमें चाहिए उसके ऊपर चेक लगाएंगे और बाकियों को अनचेक छोड़ेंगे। तो वो 20 वीडियो डाउनलोड होंगी, MP3 में करें या जिसमें भी करेंगे आप। अब ये स्टार्ट डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। अभी हमसे कन्फर्मेशन मांग रहा है कि भाई कंफर्म करें कि डाउनलोड करनी है या नहीं करनी। अब आपको ये तो पता है कि आपने कितनी वीडियो सेलेक्ट की हैं, तो आप सीधे हाथ पे स्वाइप मत करें, आप इसको उल्टे हाथ पे स्वाइप करके यस कैंसिल, अगर कोई गलती हो गई हो तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, वरना आप इसको यस पे क्लिक कर दें। यस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट बोल के और वापस डाउनलोड वाले वो क्या कहते हैं इसको फोकस, डाउनलोड पे आपका फोकस वापस आ जाएगा। तो हम इस पर क्लिक करते हैं,
ये देखिए डाउनलोड स्टार्टेड, डाउनलोड बटन, यानी कि वापस वहाँ पे हमारा फोकस डाउनलोड पे आ गया। इस तरह से आप इसके अंदर से प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद जब ये काम हो जाए तो आप इसको बैक कर लें, पूरा बैक कर लें। अब हम होम स्क्रीन पे आ गए, हमारी वीडियोस जो हैं वो ऑडियो में डाउनलोड होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से आप वाई म्यूज़िक से प्लेलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन मेमोरी में।